हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमिनेंट क्लासेस। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मेवाड़ के इतिहास को स्टार्ट किया था, जो सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौहानों के इतिहास के बारे में। तो देखिए दोस्तों, चौहानों के इतिहास में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं या फिर जानते हैं कि जो चौहानों की वास्तविक उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, इनका प्रारंभ जो शासन काल है वो कहाँ से चला था और किन किन राजस्थान की रियासतों के अंतर्गत चौहानों का शासन रहा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके बारे में क्या मत है कि जो चौहानों की उत्पत्ति है उसके बारे में। दोस्तों, जो चंद्रप्रदाय की किताब है पृथ्वीराज रासु, उस किताब के अंतर्गत इस प्रकार से बताया गया है कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वो ऋषि वशिष्ठ नाम के ऋषि थे, उनके द्वारा सिरोही के आबू के अंतर्गत आबू यज्ञ के अग्निकुंड से हुई है। इस अग्निकुंड से यह बताया जाता है कि जो चौहान है उसके साथ तीन और जातियों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये तीन जातियां और कौन कौन सी हैं? तो चौहान के साथ दोस्तों चालुक्य, प्रतिहार और परमार। तो यहां पर हमारे पास 4P का मतलब चौ, 4P नहीं 2P और 2C, चौहान चालुक्य और परमार प्रतिहार, इनकी उत्पत्ति हुई है। वो किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। तो यहां पर एक बात और है दोस्तों, जो चालुक्य है उसको सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद में दोस्तों, ये चंद्रप्रदाय की किताब का समर्थन करने के लिए राजस्थान के दो और प्रमुख इतिहासकार ने अपना समर्थन दिया था। वो कौन कौन है? सूर्यमल मिश्र और दूसरे हैं जोधपुर या फिर मारवाड़ के बोलो तो मोनोद नैन सिंह। इन दोनों के द्वारा समर्थन दिया गया कि जो ये चंद्रप्रदाय का जो स्टेटमेंट है या फिर अग्निकुंड सिद्धांत है, इसको अग्निकुंड सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या फिर यूं बोलो चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में चंद्रप्रदाय का सिद्धांत। तो इसका जो समर्थन है सूर्यमल मिश्र और मोनोद नैन सिंह के द्वारा किया गया। तो ये तो था चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पहला मत। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से चौहानों की उत्पत्ति के बारे में चार मत और है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में विदेशी के अनुसार। विदेशी के अंतर्गत कौन है? एकमात्र जेम्स टोड। देखिए दोस्तों, जेम्स टोड के बारे में यह है कि इनके द्वारा राजस्थान की रियासतों के इतिहास और राजस्थान के विभिन्न भ्रमण के बाद इनकी एक किताब है, उस किताब से राजस्थान के काफी ऐतिहासिक सोर्सों की जानकारी मिलती है। तो जेम्स स्टोक और विलियम कुर्क के द्वारा बताया गया कि जो चौहान जाति है उसकी उत्पत्ति वास्तु के अंतर्गत राजस्थान से नहीं संबंधित है, ये एक विदेशी जाति थी जिसके द्वारा राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पर सांबर के आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत उनके द्वारा शासन प्रारंभ किया गया। तो यहां से आपको सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, जेम्स टोड के द्वारा जो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में क्या मत था? तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जेम्स टोड ने बताया कि चौहान एक विदेशी जाति थी। उसके बाद में चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित दोस्तों हमारे पास तीसरा मत देखिए, 1170 के बिजोलिया। बिजोलिया कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा। तो बिजोलिया के जो शिला लेख है उससे ये जानकारी मिलती है, एक ऐतिहासिक सोर्स है जिससे ये बताया जाता है कि इनकी उत्पत्ति है वो वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है और इनका जो दूसरा वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। अब इस जो शिलालेख है बिजोलिया, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो ये जो शिलालेख है दोस्तों, भीलवाड़ा के अंतर्गत बिजोलिया के अंतर्गत एक मंदिर है जिसका नाम है पार्श्वनाथ मंदिर। तो दोस्तों, इस पार्श्वनाथ मंदिर पर यह प्रशस्ति अंकित है और ये जो प्रशस्ति है वो किसके द्वारा रचित है, उसका नाम क्या है? तो ये गुणभद्र है, इनके द्वारा ये प्रशस्ति लिखी गई है। इसके बाद में दोस्तों, इस प्रशस्ति से कुछ और ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो राजस्थान के विभिन्न रियासतें या फिर राजस्थान के प्रमुख नगर है, उन प्रमुख नगरों के जो प्राचीन नाम है उस प्राचीन नाम का जो उल्लेख है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। इसके बाद में दो मत और हैं चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित। एक तो इतिहासकार हमारे पास है दशरथ शर्मा, इनके द्वारा इनको चंद्रवर्षी बताया गया है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी राजस्थान के इतिहास में काफी महत्व रखते हैं, इनके द्वारा भी
चौरों की उत्पत्ति के बारे में अपना मत दिया गया और इनके द्वारा बताया गया कि सूर्यवंशी से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे पांच मत जो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग अपना मत देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि किसी का भी नाम देखें या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग करके भी सवाल पूछा जा सकता है कि चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा मत किसके द्वारा दिया गया था, या फिर पर्टिकुलर किसी का नाम पूछकर सवाल पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में। अब इसके बाद में देखते हैं इनका आरंभिक जो शासन है वो कहाँ पर था और इनकी राजधानी क्या थी। तो चौहानों का जो मूल निवास है या फिर इनका मूल स्थान है वो क्या है, सपाल दक्ष बताया जाता है। सपाल दक्ष से यूं बोलो जैसे कि हमारा जयपुर है, इधर अजमेर आ जाता है और इधर नागौर आ जाता है। इनके बीच में सांबर जिले या फिर सांबर जो तहसील है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको प्राचीन नाम क्या था उसका, सपाल दक्ष था। तो यहाँ सपाल दक्ष के आसपास का जो क्षेत्र है वो चौहानों के द्वारा शासित क्षेत्र था या फिर प्रारंभ में यहाँ पर चौहानों के द्वारा शासन किया गया था। इसके बाद में देखिए दोस्तों इनकी राजधानी, राजधानी का मतलब है किसी भी वंश के बारे में देखते हैं तो वंश के लिए वहां पर आसपास का जितने क्षेत्र में उन्होंने शासन किया था तो वो तो उनका शासन क्षेत्र रहता है, और उसके अलावा जहां पर उनके राजनीतिक धार्मिक या फिर जो कार्य किए जाते हैं वो कहां से संचालन होता है उसे क्या बोलते थे, राजधानी बोलते थे। जैसे कि आज के टाइम पर जयपुर राजधानी है, विधानसभा कहां पर है, इस प्रकार से हमारा कैबिनेट कहां से काम करता है, सचिवालय कहां पर है, उसी प्रकार से उस समय के जो मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो उस समय राजधानी का मुख्य क्या नाम था, जहां पर मंदिर बनाया हुआ होता था, मंदिर बनता था या शासन गतिविधियां जहां से राजा संचालित करता था वो क्या होती थी, उनकी प्रमुख राजधानी होती थी। और अहिर छत्रपुर किसकी राजधानी रही थी, चौहानों की राजधानी रही थी। और अहिर छत्रपुर का अभी वर्तमान में हम नाम देखें तो जो नागौर है वो नागौर प्राचीन काल के अंतर्गत अहिर छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इनका मुख्य मंदिर है, जैसा कि मैंने बताया राजधानी के जो राजधानी होती है वहां पर मुख्य रूप से क्या इनके द्वारा मंदिर बनाया जाता है और फिर उन देवताओं को या फिर देवी को अपना शिव का दीवान बताया जाता है और उनके नाम से जो प्राचीन या मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत राजाओं से के द्वारा शासन किया जाता था। तो चौहानों की जो कुल देवी है वो थी आशापुरा माता। तो आशापुरा माता है वो इनकी क्या थी, कुलदेवी थी। इसके अलावा ब्राह्मणी देवी है या फिर हम जीन माता की बात करें तो दोस्तों ये इनकी क्या थी, इष्ट देवियां थी। तो यहां पर ध्यान रखना कुलदेवी और इष्ट देवी में डिफरेंस होता है। कुलदेवी का अर्थ होता है कि जो पूरा का पूरा वंश है उनके द्वारा उनकी पूजा की जाती है या फिर उनके अनुयायी होते हैं, जबकि इष्ट देवी के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इष्ट देवी के अंतर्गत किसी वंश के पर्टिकुलर तीन चार पीढ़ी के द्वारा या फिर किसी वंश के जो अलग शाखा बन जाती है उस शाखा के द्वारा जिस देवी या देवता की पूजा की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, इष्ट देवी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों ये हो गई चौहानों की जो इनिशियल हिस्ट्री थी, स्टार्टिंग फेज की बात करें तो ये सब कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम एक एक करके इनके जो प्रमुख शासक हुए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके सबसे पहले संस्थापक की बात करते हैं तो इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी या फिर इनका आदि पुरुष कौन रहा था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा वासुदेव के बारे में। तो वासुदेव है इनके द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी 551 ईस्वी के अंतर्गत। तो दोस्तों यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि 551 ईस्वी के अंतर्गत चौहान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अजमेर के अंतर्गत चौहान राज्य ये पूरी सांबर वाला क्षेत्र है वो अजमेर में माना जाता था। तो अजमेर के अंतर्गत चौहान वंश की स्थापना की थी वो 551 ईस्वी के अंतर्गत किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, वासुदेव के द्वारा की गई थी। अब देखिए जैसा कि हमने मेवाड़ के अंतर्गत पढ़ा था, मारवाड़ के अंतर्गत राम सिंह पढ़ा था, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो जिस वंश का जो स्थापना करने वाला होता है या जो प्रथम शासक होता है उसे आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से सीधी सी बात हो गई कि वासुदेव के द्वारा जो राज्य की स्थापना की गई थी इसलिए इनका जो आदि पुरुष या संस्थापक जो होगा वो कौन होगा, वासुदेव। अब देखिए दोस्तों जो हमने अभी इनकी उत्पत्ति
के संबंध में भीलवाड़ा का बिचौलिया अभिलेख है, गुणवंतर जी के द्वारा लिखा हुआ, उसके बारे में देखा था कि इनको वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया गया था। इसी शिलालेख के अंतर्गत, ये वही शिलालेख है जिसके अंतर्गत बताया है या फिर जानकारी मिलती है, ये ऐतिहासिक सोर्स कहता है कि जो सांबर झील है उस सांबर झील का निर्माण वासुदेव जी के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में इनका अगला जो प्रमुख शासक है गोहक आता है। गोहक के बारे में देखिए दोस्तों, ये बोला जाता है कि ये जो चौहान शासक है पहले सामंत हुआ करते थे। देखो दोस्तों, सामंत का मतलब क्या होता है, कोई भी क्षेत्र में एक राजा होता है, उस राजा के अधीन जो छोटी जागीर होती है, उस जागीर का जो शासन या फिर कारोबार संभालता है उसे क्या बोलते हैं, उससे क्षेत्र विशेष का सामंत बोलते हैं। और इन सामंतों के द्वारा ये जो जमीन होती थी वो सामंत यहाँ से क्या जो भी रेवेन्यू होता है वो वहां के राजा को सुरक्षा के बदले देते थे। तो ये पहले किसके सामंत होते थे, प्रतिहारों के ये सामंत हुआ करते थे। अब प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे तो गोहक के समय पर क्या होता है, प्रतिहार शासक होता है नागभट्ट सेकंड। इन नागभट्ट सेकंड की जो अधीनता है वो राजा गोहक के द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है और इनके द्वारा एक पूर्ण एकदम स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो यहां से सवाल आता है कि जो पहला कौन सा शासक था जो स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है, तो वो कौन हो जाएगा, हमारा पास गोहक हो जाएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला जो शासक है हमारे पास चंद्रराज के बारे में चर्चा करते हैं। इनके बारे में हमारे पास दो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला तो इनकी जो रानी है उनका नाम था आत्मप्रभा, आत्मप्रभा था और ये शिव भक्ति होने के कारण इनका नाम था रुद्राणी नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये एक इस प्रकार की महिला थी जो योग क्रियाएं हैं उनके अंतर्गत बहुत दक्ष हुआ करती थी। और इनके द्वारा दूसरी जो चीज है वो क्या की जाती थी, जो अजमेर की पुष्कर झील है वहां पुष्कर झील के अंतर्गत प्रति दिन 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा की जाती थी। तो कुल मिला के बात क्या है, जो चंद्रराज की पत्नी थी या फिर रानी थी रुद्राणी, वो क्या थी, एक शिव भक्तिनी थी। इसके बाद में यहाँ का अगला शासक आता है जिनके द्वारा पहली बार अजमेर के अंतर्गत किला बनाया, अजमेर का किला बनाया गया था और उन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, वास्तविक रूप के अंतर्गत अब तक इनका जो शासन काल है वो कहाँ था, ये जो सांबर है उसके आसपास इनका शासन चलता था। उसके बाद में देखा हमने कि जो पहली बार अजमेर नगर की जो स्थापना है या फिर अजमेर की स्थापना की गई थी वो चौहान वंश के अंतर्गत प्रथम राजा कौन था, अजयराज, और इनके द्वारा 1113 ईस्वी के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई थी, अजमेर की स्थापना की गई थी। अब इसकी ऐतिहासिक सोर्स की बात करें तो इसका ऐतिहासिक सोर्स हमारे पास है पृथ्वीराज विजय, इनके द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में इनके द्वारा अजमेर का किले का निर्माण करवाया गया और इस अजमेर किला बोलो या फिर अजय मेरुगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो दोस्तों यहां से ये पूछ ले, अजमेरुगढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो भी क्या होगा, अजय राज होगा। अब इनके द्वारा चौहानों के अंतर्गत सिक्के चलाए गए थे, तो इनकी दोस्तों रानी थी जिनका नाम था सोमलेखा, क्या नाम था, सोमलेखा इनका नाम था। और इनके द्वारा अपनी रानी के प्रेम के कारण इन्होंने अपनी रानी के नाम के क्या चलाए थे, अजमेर के अंतर्गत सिक्के चलाए थे। तो चलिए दोस्तों, अगले शासक के बारे में फिर हमारे पास दो जानकारी है। अर्णोराज, अर्णोराज ने अजमेर के अंतर्गत अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण हो गया जी, उसके बाद में जो पुष्कर है अजमेर के पास ही है, पुष्कर काफी धार्मिक स्थल है, तो अजमेर के पास पुष्कर के अंतर्गत अर्णोराज के द्वारा वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है जगदेव, क्या नाम होता है दोस्तों, जगदेव, उनके द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखना, जगदेव जो चौहान है उनका पितृहत्या शासक बना था और इनके पिता थे अर्णोराज, जिनकी जगदेव के द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ये तो थे छोटे छोटे शासक। अब अजमेर से संबंधित दो प्रमुख शासक आते हैं,
राज चतुर्थ और पृथ्वीराज उनके बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल। तो दोस्तों अब तक हमने देखा था कि इनके द्वारा 551 के अंतर्गत वासुदेव के द्वारा चौहान राज्य की स्थापना की जाती है। तो उसके बाद में हमने देखा था 1113 ईस्वी के अंतर्गत अजमेर की स्थापना कर दी जाती है। तो काफी लंबा लगभग 7-8 शताब्दी तक लगभग 6 शताब्दी तक इनका शासनकाल के बारे में ज्यादा बड़ी रोचक बातें नहीं घटित हुई थी। उसके बाद में हम देखते हैं 12वीं शताब्दी के समथिंग विग्रहराज चतुर्थ यहाँ के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। लगभग इन्होंने 10 वर्षों तक यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। तो इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी या फिर इनका इतिहास के बारे में इतना विशेष रोल कैसे है, उनके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात है, विग्रहराज चतुर्थ एक महान शासक हुए थे। इसकी वजह से इनके शासनकाल के अंतर्गत जो घटना घटी थी, इसकी वजह से चौहानों का जो शासन है उनमें चौहानों के शासनकाल के समकक्ष देखें तो विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो चौहानों का स्वर्ण काल गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गोल्डन एरा के नाम से क्यों जाना जाता है, ऐसा इन्होंने क्या करवाया, क्या इनके शासनकाल में घटना हुई थी, उनके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनके द्वारा तोमरों से दिल्ली का क्या थी, दिल्ली का जो प्राचीन नाम है वो था दिल्ली का, वो तोमर शासकों द्वारा शासित थी। और वो जो जगह है वो किसके द्वारा विजित की गई, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ये छीन ली गई थी। फिर इनके द्वारा यहाँ पर दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था। तो दोस्तों सवाल बनता है, दिल्ली शिवालिक स्तंभ है उसकी जो स्थापना की थी या फिर निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया, तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके बाद में देखिए दोस्तों अजमेर के अंतर्गत इन्होंने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। काफी इंपोर्टेंट है, यही वो संस्कृत पाठशाला है जहां पर इनके द्वारा एक नाटक की रचना की गई थी जिसका नाम है हरि केली। क्या नाटक है, हरि केली। इस हरि केली की जो पंक्तियां हैं या फिर कुछ लाइनें हैं वो लाइनें इस सरस्वती कंठाभरण नामक जो संस्कृत पाठशाला है उसकी दीवारों पर वर्णित करवाई गई थी। काफी इंपोर्टेंट है ये पाठशाला, इसी पाठशाला को बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तुड़वा कर यहाँ पर ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। ये क्या है, ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। तो याद रखना दोस्तों इसका जो वास्तविक के अंतर्गत नाम क्या था, सरस्वती कंठाभरण नामक, इस नाम से क्या किया था इन्होंने, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। फिर इनके द्वारा एक नाटक की रचना की गई थी, हरि केली नामक का जो नाटक था इसकी जो पंक्तियां हैं वो इस संस्कृत पाठशाला की जो दीवारें हैं उस दीवारों के अंतर्गत अलग अलग दीवारों पर वर्णित करवाई गई थी। इसके बाद में देखते हैं ये जो चीज है मैंने पहले ही बता दी दोस्तों आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस पाठशाला को तोड़कर एक मस्जिद बना दी जाती है। और ये जो मस्जिद है इसका वर्तमान के अंतर्गत हम देखते हैं काफी अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। यह है अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में देखिए दोस्तों इनकी कुछ उपाधियों के बारे में देखते हैं, इनको बिसल देव के नाम से जाना जाता है और कवि बांधव के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि बिसल देव और कवि बांधव जो उपाधियां हैं वो किसने ग्रहण की थी या किसने धारण की थी, तो अजमेर के शासक या चौहान वंश के जो शासक है विग्रहराज चतुर्थ उनके द्वारा ये दोनों उपाधियां ग्रहण की गई थी या धारण की गई थी। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इनके इतिहास में और क्या क्या रोल है। तो इनको बिसलदेव कहने का कारण है दोस्तों, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा बिसलपुर नगर की स्थापना की गई थी और यहाँ पर ये जो बिसलपुर तालाब है उसका निर्माण करवाया गया था और इसी तालाब के किनारे पर शिव भगवान का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो देखिए दोस्तों क्या क्या करवाया था, बिसलपुर नगर, बिसलपुर तालाब और शिव भगवान का जो मंदिर है वो एक ही जगह पर इनके द्वारा निर्मित करवाया गया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों इनके द्वारा और क्या काम करवाया गया था, इनके दरबारी थे सोमदेव, क्या नाम था, सोमदेव, इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की जाती है और इस पुस्तक का क्या नाम है, ललित विग्रहराज के नाम से इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की जाती है। उसके बाद में
एक और इम्पोर्टेंट लेखक होते हैं, नरपति नाल। नरपति नाले द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई है बिसलदेव रासो नाम से। ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसकी खास बात है कि ये कौन सी भाषा में लिखी थी, गोडवाड़ी भाषा के अंतर्गत ये पुस्तक वर्णित है या फिर गोडवाड़ी भाषा के अंतर्गत इस पुस्तक की रचना की गई है। अब बात आती है जो गोडवाड़ी भाषा है भाई, वो कहाँ पर बोली जाती है और ये जो बोली है किस बोली की उपबोली है, किस बोली की उपबोली है। तो ये जो मारवाड़ी बोली है दोस्तों, उसकी एक उपबोली है और मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत हमारे पाली में एक जगह है पाली तहसील। उस पाली तहसील से लेके हम थोड़ा सा नीचे आते हैं झालोर में, तो झालोर का एक क्षेत्र है आहोर। उन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो जिन लोगों के द्वारा भाषा बोली जाती है, उस भाषा को क्या बोला जाता है, गोडवाड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। और ये किसकी उपबोली है, मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। तो चलिए दोस्तों, ये सब था हमारे पास किसके बारे में, काफी महत्वपूर्ण शासक रहे थे विग्रहराज चतुर्थ, इनके बारे में हमने देखा था। अब हमारे पास यहाँ का एक और प्रमुख शासक रहता है, या फिर यूं बोलो चौहान वंश का जो अजमेर का शासक है, वो अंतिम शासक कौन रहा था, जिनके बारे में हम काफी विस्तार से अजमेर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अजमेर के अंतर्गत विस्तार से पढ़ने वाला एक शासक रहा था, काफी महान शासक होते थे, पृथ्वीराज थर्ड। तो पृथ्वीराज थर्ड के शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो इनका शासनकाल रहा 1177 से लेके 1192 त्राइन के द्वितीय युद्ध तक इनका क्या था शासनकाल रहा था। त्राइन के द्वितीय युद्ध में किस प्रकार से इनकी पराजय हुई थी, ये सब कुछ चर्चा करते हैं। तो इनके आरंभिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या होता है, सोमेश्वर इनके पिता का नाम होता है। अब इनके पिता की जो मृत्यु है, वो इनके छोटी उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका पालन पोषण करने वाला कौन होता है, इनकी माता होती है कर्पूरी देवी, जिनका नाम होता है, इनके द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, दिल्ली के शासक होते हैं अनंत पाल, ये जो तोमरपुर की पुत्री थी, ठीक है, तोमर की पुत्री थी। अब प्रारंभ के अंतर्गत जो कर्पूरी देवी है वो उनकी संरक्षिका बनी थी। किनकी संरक्षिका बनी थी, हमारे जो पृथ्वीराज थर्ड है, ये छोटी उम्र के अंतर्गत ही शासक बन जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ये शासनकाल का जो काम है कौन संभालता है, ये कर्पूरी देवी के द्वारा संभाला जाता है। फिर इनके बारे में देखिए दोस्तों, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय जो थर्ड है, बाल्यावस्था में ही शासक बन जाते हैं। अब इनके द्वारा दो और इम्पोर्टेंट काम करवाए जाते हैं, इनने दो विद्रोह को दमन किया था। उन दो विद्रोह के अंतर्गत कौन है, पहला तो विद्रोह है इनके चचेरे भाई थे नागार्जुन, इनके विद्रोह का दमन कर गया था। तो इनके विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था, पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ से काफी इंपोर्टेंट सवाल बनता है कि नागार्जुन के विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया था, विग्रहराज चतुर्थ की तरफ आप मत जाना, पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा ही इसे का दमन किया गया था। इसके बाद में एक और जनजाति थी, उन जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था, उसका दमन किसके द्वारा किया था, बंडानक को हराता है। तो ये जो बंडानक के दोस्तों, वो ये जनजाति है हमारा वर्तमान का जो गुड़गांव है या गुरुग्राम है, ये बोल सकते हो। तो गुड़गांव और हमारा हिसार वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत बंडानक जनजाति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। और इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया जाता है, पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक काफी इंपोर्टेंट इनके समय पर एक युद्ध होता है 1182 ईस्वी के अंतर्गत, तुमुल के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो एमपी के पास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक जगह है मोहोबा। तो मोहोबा के चंदेल शासक है वो परमार्थी देव को हराते हैं, ठीक है, कौन थे, परमार्थी देव नाम के शासक होते हैं, मोहोबा के चंदेल शासक होते हैं, उनको 1182 ईस्वी के अंतर्गत तुमुल के युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान की तरफ से युद्ध करते हैं, इनके जो सैनिक होते हैं या फिर सेनापति होते हैं उनके द्वारा इनको पराजित कर दिया जाता है, ठीक है। इस युद्ध के अंतर्गत दोस्तों काफी खास बात क्या रहती है, इसमें खास बात होती है परमात्मी देव चंदेल के दो अहम सेना नायक होते हैं, सेनापति होते हैं आला और उदल, ये दोनों काफी पॉपुलर है इस युद्ध के अंतर्गत। हालांकि इन्होंने युद्ध हार जाते हैं, लेकिन फिर भी
इनके द्वारा वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था, इसकी वजह से इनको आज भी लोकगीतों के अंतर्गत गाया जाता है और काफी इनका सम्मानपूर्वक नाम लिया जाता है। तो इस युद्ध के अंतर्गत खास बात क्या रहती है, पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड है वो वास्तविक में ये युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध के अंतर्गत जो आला और उदल की जो वीरता है वो आज भी जानी जाती है। इसके बाद में देखिए दोस्तों 1187 के अंतर्गत एक छोटा सा युद्ध होता है, उसके बाद में इनकी संधि हो जाती है। तो उस युद्ध के बारे में देखिए दोस्तों, 1187 के अंतर्गत चालुक्य के शासक होते हैं भीम सेकंड, या भीम सेकंड पर इनके द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और आक्रमण के बाद में उन दोनों की क्या हो जाती है, संधि भी हो जाती है। तो ये छोटी सी घटना होती है 1187 के अंतर्गत चालुक्य के शासक होते हैं भीम सेकंड। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो एक काफी चर्चा में रहता है पृथ्वीराज चौहान के टाइम है, उनकी काफी महत्वपूर्ण घटना है हमारे पास है, कि जो चौहान शासक है पृथ्वीराज थर्ड और गढ़वाल शासक होते हैं चेचल, इन दोनों के शासनकाल के अंतर्गत दोनों की जो विरोध होता है, दोनों के बीच में मनमुटाव होता है, या फिर यूं बोलो विवाद होता है, वो किस बात को लेकर होता है, ये काफी चर्चा में रहता है। तो इनके समय का ये घटना क्यों होती है, इसके बारे में देखिए। तो इसका दोस्तों मुख्य रूप से हमारे पास दो कारण है। पहला कारण तो है दिल्ली का जो उत्तराधिकार है, उस उत्तराधिकार को लेकर जयचंद उस पर अपना अधिकार जताता है। तो इस प्रश्न के अलावा जो जयचंद की बेटी होती है संयोगिता, इस संयोगिता का क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करके उनसे क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो इन दोनों वजह से क्या होता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, मनमुटाव होता है। तो दोस्तों अब बात करें कि जो ये घटना हुई थी इसका हमारे पास ऐतिहासिक सोर्स क्या है, कि इतिहास की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिससे ये जानकारी मिलती है। तो वापस चौहानों के इतिहास की बात करें तो 1 & 1 दशरथ शर्मा, तो दशरथ शर्मा के द्वारा एक किताब लिखी गई है दोस्तों, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इस पुस्तक से पता चलता है कि जो चौहान है उसके द्वारा संयोगिता अपहरण किया और इनका इनके साथ शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, इस वजह से इन दोनों के अंतर्गत क्या होता है, मनमुटाव की स्थिति रहती है। इसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, अब हमारे पास जब पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इनके शासनकाल में दो प्रमुख युद्ध हुए हैं, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और एक दूसरा होता है तराइन का दूसरा युद्ध। इन दोनों युद्धों के बारे में क्या हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बेसिकली क्या होती है, हमारे पृथ्वीराज चौहान है थर्ड, इनकी तो क्या हो जाती है, विजय होती है और ये शासन है, ये जो युद्ध होता है किसके बीच में होता है, मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। तो मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, तो ये जो युद्ध है होने का कारण के बारे में देखते हैं कि क्या कारण था कि इनके द्वारा इन दोनों के बीच में अनबन होती है और आक्रमण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, उस समय क्या है, जो तबर हिंद नाम का जो क्षेत्र है जिसका वर्तमान में हम बठिंडा के नाम से जानते हैं, तो ये बठिंडा वाला क्षेत्र है उस पर मोहम्मद गोरी के द्वारा क्या करते हैं, अधिकार कर लिया जाता है। और ये जो तबर हिंद या बठिंडा वाला जो क्षेत्र है वो पृथ्वीराज चौहान के सीमा के अंतर्गत आता था। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो इसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति है, मुख्य सेनापति है, उनका नाम है चामुंड राय। तो चामुंड राय के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और इस युद्ध के अंतर्गत सही मायने में देखें तो पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध जीत जाते हैं। तो इस युद्ध को जीतने के बाद में क्या होता है, अगला हमारे पास फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है दोस्तों। फिर इस युद्ध के अंतर्गत जो मोहम्मद गोरी है उनके द्वारा क्षमा मांग ली जाती है कि माफ कर दो, और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को माफ कर देते हैं। और फिर इस दौरान क्या करते हैं, वो युद्ध की पूरी तैयारी करते हैं और एकदम सशक्त सेना के साथ दोबारा युद्ध करते हैं अगले साल जो होता है तराइन का द्वितीय। इस तराइन के द्वितीय युद्ध के अंतर्गत बहुत जो बुरी तरह से जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी हार हो जाती है और इस युद्ध के बाद उनको मार दिया जाता है। तो इसके बारे में देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये युद्ध हुआ कब था, तो 1192 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध होता है। तो 1192 ईस्वी के अंतर्गत ये युद्ध होता है दोस्तों, और युद्ध के अंतर्गत
वापस से जो इनके सेनापति है वो चामुंड राय भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वीराज चौहान है इनके द्वारा इस समय बहुत से अभियान चलते थे और ये चामुंड राय है वो किसी दूसरे अभियान का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और ये युद्ध हुआ था रात के समय, जो मोहम्मद गोरी है उसकी सेना ने पृथ्वीराज चौहान पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया और ये प्रॉपर पूरी तरीके से सफल नहीं पाए थे। पृथ्वीराज इस युद्ध के अंतर्गत क्या होते हार जाते हैं। हारने के बाद हरियाणा की एक जगह है दोस्तों सिरसा, यहाँ इसके आसपास के क्षेत्र में उनको बंदी बनाकर बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। किसके द्वारा हत्या कर दी जाती है, मोहम्मद गोरी के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ये था इस युद्ध के बारे में। अब देखिए इनके कुछ घटनाओं के बारे में देखते हैं, इनके जो दरबारी वर्ग विद्वान है उपाधियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के पास, आज भी ये काफी पॉपुलर पर्यटकों के लिए, पिथौरागढ़ नामक किले का निर्माण है। किसके द्वारा करवाया गया था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों इनकी जो दो उपाधियां हैं, पहली उपाधि तो पिथौरागढ़ के निर्माण के कारण इनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, और दूसरी इनकी उपाधि है दल पुंगल। तो दल पुंगल इनकी उपाधि है, याद रखना। जो विक्रमराज चतुर्थ है उनकी भी दो उपाधि है, एक तो बिसलदेव और दूसरी उपाधि हमारे पास क्या उनकी कवि पांडव के नाम से उनको जाना जाता है। वही हमारे पास पृथ्वीराज थर्ड है, उनकी दो उपाधि है राय पिथौरा, पिथौरागढ़ का निर्माण करवाने के कारण, और दूसरी है दल पुंगल विश्व विजेता। उसके बाद में देखिए दोस्तों इनके दरबारी विद्वानों के बारे में देखिए, तो मुख्य रूप से इनके जो दरबारी विद्वान हुए थे वो पांच इनके प्रमुख दरबारी विद्वान होते हैं। उसके बारे में देखो तो सबसे पहले चंद्र बरदाई, वास्तविक रूप से देखें तो चंद्र बरदाई का जो नाम था दोस्तों वो था पृथ्वीराज भट्ट। तो इनके द्वारा जो चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली या पृथ्वीराज चौहान की जो पुस्तक है वो है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है, चंद्र बरदाई के द्वारा। दूसरा है इनका दरबारी विद्वान जयानक, जयानक के द्वारा एक किताब की रचना की गई है पृथ्वीराज विजय। उसके बाद में आती है इनका दरबारी विद्वान थे तीन, विद्यापति गोड जनार्दन और वागीश्वर नाम के इनके क्या थे दरबारी विद्वान रहे थे। इसके बाद में देखिए दोस्तों पृथ्वीराज चौहान एक कला और संस्कृति मंत्रालय की स्थापना करते हैं, मतलब जो आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट का गठन करते हैं, और उस डिपार्टमेंट के देखरेख के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है, और उस मंत्री का नाम क्या था, पद्मनाभ था। पद्मनाभ को इनका क्या बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं। और इनके दरबार के अंतर्गत दो और इनके प्रमुख मंत्री रहे थे, केमास और भुवनमल, इन दोनों को भी प्रमुख मंत्री के रूप में जाना जाता है। मोहिनुद्दीन चश्ती इसी के समय भारत आए थे, या फिर यूं बोले कि मोहिनुद्दीन चश्ती है वो किसके समकालीन थे, तो पृथ्वीराज तृतीय है उनके समकालीन थे। इसके बाद में देखिए दोस्तों तराइन के दोनों युद्ध है उसका विस्तृत विवरण कवि चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी के तामुल मासिर एवं मिनहाज उस सिराज के तबकात नासिरी में मिलता है। तो यहाँ पर ये देखें कि जो त्राइन के जो युद्ध है, दोनों युद्ध है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हमारे पास ऐतिहासिक सोर्स कौन कौन से हैं, तो तीन पुस्तकें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एक तो पृथ्वीराज रासो, एक है हमारे पास तामुल मासिर, और एक हमारे पास है तबकात ए नासिरी। इन तीनों किताबों से जो ये ऐतिहासिक सोर्स है इनके द्वारा जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से त्राइन का तृतीय युद्ध हुआ था। उसके बारे में देखिए दोस्तों धन्यवाद, ये था हमारे पास जो इनके इतिहास के संबंध के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटना, किस प्रकार से चौहानों के इतिहास की जो अजमेर की श्रृंखला है उसका समापन होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके आगे हम चौहान की अलग अलग रियासतें हैं, जैसे कोटा है, रणथंभौर है, रणथंभौर के अंतर्गत हमीर चौहान का काफी नाम आता है, उसके अलावा जो सिरोही है इनके बारे में छोटी छोटी रियासतों के अंतर्गत ये बटे हुए हैं, इनके बारे में भी हम चौहानों के इतिहास के बारे में चर्चा